फिलिस्तीन के लोग कितने अच्छे होते हैं, इसके लिए आपको डेनमार्क की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है वर्ष 1992 की। डेनमार्क की सरकार ने तय किया कि फिलिस्तीन से भगाए गए 321 शरणार्थियों को वो अपने देश में बसाएगा। बेचारे इतनी लूटी पिटी हालत में डेनमार्क पहुंचे थे कि सबको उन पर दया आ गई। पहली बार हुआ कि डेनमार्क की संसद ने विशेष कानून बनाकर 321 फिलिस्तीनी शरणार्थियों को डेनमार्क की नागरिकता दे दी। तो उन 321 लोगों ने डेनमार्क की सरकार और जनता का बहुत धन्यवाद किया होगा। आप बेघर हों और कोई आपको रहने के लिए घर दे दे, तो इससे बड़ा उपकार क्या होगा भला। उन 321 फिलिस्तीनी शरणार्थियों ने तो जीवन भर उस एहसान का बदला चुकाया होगा। वर्ष 2019 में डेनमार्क की एक संस्था ने इन 321 फिलिस्तीनियों का पूरा डेटा निकलवाया और जो बातें पता चली सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। डेनमार्क में शरण पाने वाले 321 लोगों में से 204 गंभीर अपराधों जैसे कि हत्या, बलात्कार और डकैती में पकड़े गए। अर्थात डेनमार्क ने जिन फिलिस्तीनियों को मानवता के नाम पर शरण दी थी उनमें से 64% दुर्दांत अपराधी थे। सभी 321 फिलिस्तीनी शरणार्थियों ने डेनमार्क की जनता के टैक्स के पैसे पर चलने वाली वेलफेयर स्कीमों का लाभ उठाया। क्योंकि जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसे डेनमार्क सरकार दे ही रही थी, तो किसी ने नौकरी चाकरी या व्यापार करने की नहीं सोची। सबने एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपराध को ही चुना। इन 321 लोगों ने मिलकर 999 बच्चे पैदा किए, अर्थात हर कपल को 6 से अधिक बच्चे हुए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सारा बोझ डेनमार्क के टैक्स पेयर्स ने उठाया। इन 999 बच्चों में से 34% गंभीर अपराधों में विभिन्न अदालतों द्वारा दोषी पाए गए। वर्ष 2011 में फिलिस्तीनी बच्चों का आईक्यू टेस्ट कराया गया। 6 से 11 वर्ष आयु के 257 बच्चों के सैंपल पर टेस्ट हुआ। औसत रहा 85, यानी औसत से बहुत कम। अब कम आईक्यू होना इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन कम बुद्धि वाले इन लोगों को कोई जन्नत और 72 हूरों के सपने दिखा दे तो निश्चित ही समस्या गंभीर हो जाती है। जब ये सर्वे प्रकाशित किया गया था तो डेनमार्क के वामपंथियों और इस्लामिस्टों ने खूब शोर मचाया कि असहिष्णुता आ गई है, इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि फिलिस्तीनियों को कोई अरब देश भी अपने यहाँ शरण देने को तैयार नहीं होता। जॉर्डन, इजिप्ट तो बयान जारी करके कह चुके हैं कि कोई फिलिस्तीनी उनकी सीमा में घुसने की कोशिश भी ना करे। अब जरा सोचिए कि भारत में क्या हो रहा है। करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए बसाए जा चुके हैं, कुछ वैध रास्तों से और अधिकांश अवैध तरीकों से। भारत में तो पूरा शासन तंत्र उनके लिए सुरक्षा दीवार बना हुआ है। राजनीतिक पार्टियां और अफसर इन घुसपैठियों के आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाती हैं। पुलिस वाले घूस लेकर फल सब्जी के ठेले लगवाने में सहायता करते हैं। मीडिया उन्हें बेचारा और सताया हुआ सिद्ध करता है। देश विदेश से फंड लेने वाले एनजीओ गरीबों की सहायता के नाम पर रोहिंग्या कैंपों पर ही सारी मानवता उड़ेलते हैं। म्यांमार से आकर लाखों रोहिंग्या जम्मू में बसा दिए गए, लेकिन किसी को कानों कान पता नहीं चलने पाया। और जब पता चला तो सर्वोच्च न्यायालय उनकी रक्षा में खड़ा हो गया। दिल्ली समेत देश भर में आज अपराध की जो घटनाएं अखबारों में छपती हैं, उनमें से बड़ी संख्या इन्हीं बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं द्वारा होती है। लेकिन हमारे देश में अपराधों के समाज शास्त्र पर कोई बात नहीं होती। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB जैसी संस्थाएं कभी इस बात के आंकड़े जारी नहीं करती कि गंभीर अपराधों में इन मजहबी घुसपैठियों का कितना योगदान है। डेनमार्क जैसा कोई यूरोपीय देश हो या भारत, मजहबी घुसपैठियों के साथ जो मानवता आज वो दिखा रहे हैं, उसका परिणाम उनकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना ही होगा।
मानवता और मानवाधिकार मानवों के लिए होते हैं, उन ज़ॉम्बीज के लिए नहीं जिनकी आसमानी किताब ने ही उन्हें चलता फिरता मानव बम बना रखा है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।